इस विधि से कोई भी हो जाएगा दीवाना, किसी को भी कर सकते हो पागल, कोई भी व्यक्ति हर हाल में आपका हो जाएगा अगर तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी फैमिली लाइफ में समस्या है तो उसका सीधा समाधान लेकर के आ जाए। जी जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ रिलेशनशिप को मजबूती से समझा जाता है। रिश्तों को ठीक करना ये परंपरा बन चुकी है। यहाँ जो रिश्ते आसमान में बनते हैं उनके रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है, ये कह सकते हो आप। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर बात होती है। यहाँ वो रिसर्च होता है जो सच में आपको सफल, श्रेष्ठ और मूल्यवान बना दे। गंभीर चिंतन इसलिए है क्योंकि बात आंतरिक है। गंभीर चिंतन इसलिए है क्योंकि बात आपके पर्सनल रिलेशंस की है। रिश्तों के बारे में, संबंधों के बारे में जब बात होती है तो दुनिया सब परे लगती है, सब हवा हवाई लगता है, सब बहुत सामान्य लगने लगता है। अगर आप सच में जीवंत होना चाहते हैं, अगर सच में आप संपन्न होना चाहते हैं तो आवश्यक है जीवन में प्यार होना। प्यार है तो सब कुछ है। किसके लिए कोई कुछ करे, किसके लिए जिए, किसके लिए सजे, किसके लिए सवरे, किसके लिए कमाई करे, किसके लिए ज्यादा धन कमाए, किसके लिए श्रेष्ठ बने, किसके लिए प्रयत्न करे, किसके लिए रातों में जागे, किसके लिए भागम भाग करे, कौन है वो? घर का छोटा शिशु, अपनी मैया, भैया, पिता, माता, बहन, शिष्य, गुरु, भगवान, खुद की चाहत, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, किसके लिए? वो कौन है जिससे प्रेम है? जब तक प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव दुनिया में दुख का प्रभाव बढ़ाता है। प्रेम का प्रभाव दुनिया में हमेशा व्यक्ति को श्रेष्ठ और उन्नतिवान बनाता है। ये वैसा ही शाश्वत सत्य है जैसा कि भगवान। ये उतना ही सत्य, उतना ही पारंपरिक और उतना ही श्रेष्ठ कर है जितना ईश्वर की पूजा, इबादत और साधना। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे उपाय की, एक ऐसा सोल्यूशन की जो सबसे शक्तिशाली है। आप जिसे चाहें, आप जिस भी व्यक्ति को चाहेंगे वो व्यक्ति आपका हो जाएगा। बहुत बार होता है कि हम किसी से मिलना चाहते हैं, हम किसी को पाना चाहते हैं, हम किसी के हो जाना चाहते हैं। इवन बहुत बार सामान्य मीटिंग से तैयार में हम जा रहे हैं, हमें लगता है कुछ अच्छा होना चाहिए हमारे साथ, हमारी मीटिंग, हमारा आज हम सफल हो जाना चाहिए। ये तो बहुत छोटी छोटी बात है। अब बड़े लेवल की बात कर रहा हूं, कोई हमें छोड़कर चला गया है, कोई ऐसा इसके साथ हम तो नाता रखना चाहते हैं लेकिन उसने सारे नाते तोड़ दिए, वो सारे रिश्ते नाते, वो सारे संबंध खत्म कर दिए जिसके लिए कसमें खाई गई थी और बहुत फ्यूचर देखा गया था। विषमताएं प्रकांड हो चुकी हैं, विषमताएं इतनी प्रचंड हो गई हैं कि अब उसके आगे कुछ नहीं समझ में आता। दिन रात सोना, उठना, बैठना, जागना जब दुश्वार हो जाए, जब दुभर हो जाए जीना, तब आप ये समझना कि ये उपाय तुम्हारे लिए है। जब आपका हंसना, मुस्कुराना, तुम्हारी चंचलता, तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारी निजता और तुम्हारी स्वयमेवता तुमसे दूर होने लग जाए तो तुम समझना कि ये बात तुम्हारे लिए हो रही है। तुम ये समझना कि जब तुम्हें तुम्हारी नीड ना हो, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझना, मैं कह रहा हूँ जब तुम्हें तुम्हारी नीड समाप्त होने लग जाए, दुनिया में ये बड़ी नीड है, खुद को खुद की नीड, ये जब खत्म होने लग जाए ना तो तुम समझना ये सच्चा प्रेम है। जब तुम्हारा दर्द चरम पर पड़ जाए, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेता हूं गाना, सुना है ना वो वाला सिचुएशन, जब आ जाए, जब हर गाना, हर मोमेंट तुम्हें रुला जाए, हर अच्छी चीजें तुम्हें गुदगुदा जाए, तो तुम समझना कि तुम सच्चे प्रेम में हो, तुम्हारे सच्चे प्यार में सच्ची इबादत के साथ, पूरी सच्चाई के साथ खड़ा है अगर कोई, वही लव विद एस्ट्रोलॉजी। तुम ठीक हो जाओ, इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं है मेरे पास, इससे ज्यादा मुझे, इससे बड़ी कोई चीज दूसरी कोई देख ही नहीं सकता। सारी दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ, तुम्हारे साथ जो कनेक्शन है दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। ये डेफिनेटली समझ लेना, मैं बात सिर्फ तुमसे कह रहा हूं। दिल लगी दिलदार से छोड़ी नहीं जाती, हमने तो सीखा ही नहीं है। एक बड़ा सुंदर भजन है, वृंदावन के प्रेम के लिए जाना जाने वाला शहर है। वहां कहते हैं कि भगवान से जब आंखें लड़ जाए बड़ा मुश्किल होता है उसे छोड़ पाना, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पर पर्दा डालते रहते हैं।
मंदिर में काफी परंपरा है वहाँ की। तेरी अखियां है जादू भरी है, तेरी अखियां है जादू भरी है, बिहारी में तो कब से खड़ी है, तेरी अखियां है जादू भरी है, बिहारी में तो बनवारी में तो एकाना में तो कब से खड़ी। सब अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है, प्यार ही दुनिया की वो इकलौती वस्तु है, इकलौती फीलिंग है जहां पर वेदना में भी सुख मिलता है। हाँ, जहां वेदना में भी सुख मिले इसका नाम प्रेम। बहुत सारी बात नहीं करता, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, बहुत प्रयत्न करता हूँ तो कनेक्ट हो अपनी उस फीलिंग के साथ जिसके साथ तुम जिंदा हो, जिसके साथ तुम हो, क्योंकि ये सब खत्म हुआ तो तुम नहीं कर सकते, सब शून्य हो जाएगा, तो बस वही सब कुछ समझने के लिए, सब अवस्थित करने के लिए, फिर तुम्हें उगाने के लिए, तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए, फिर से एक आयाम बड़ा कर मजबूत करने के लिए तुम्हारे लिए फिर से उपाय की बात कर रहा हूँ, गर्व दुबाए। लेकिन उसके पहले एक वॉइस मैसेज दे रहे हैं आपके बीच का, तो आपके साथ साझा करते हैं। नमस्ते गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, एक अच्छी जॉब लग गई है, माइंड भी बहुत पॉजिटिव रहने लग गया है, और जिनसे मैं प्यार करती थी वो भी मेरे से बात भी कर रहे हैं और मिलने के लिए भी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। तुम्हारे जीवन में ये जो लहर है ना, ये क्रांति है, बस इसे समझ कर रखना, इसे संभाल कर रखना और अपनी श्रद्धा और विश्वास बहुत मजबूत रखने की कोशिश करना। मुझे चाहो सीधा बात कर रहे हैं उपाय की, आज का सोल्यूशन, आपका उपाय, आज का ढंग, आज का तरीका, आज की व्यवस्था सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे मूल्यवान है। ये वो तरीका आज आपको बता रहा हूँ जो लोग अच्छी साधनाओं में करते हैं, ये प्रायः दीपावली होली शिवरात्रि ग्रहण इनके पूर्व में करना चाहिए, एक हफ्ते पहले से लेकर के नवरात्रि शुरू होने के समय तक किया जाने वाला ये उपाय है और बहुत कारगर है। अब आपको करना क्या है, कच्चा दूध, गौमूत्र और मिश्री, ये तीन चीजों का मिश्रण बनाए, खूब गीला कर ले, खूब अगर ज्यादा गाढ़ा हो रहा तो गंगा जल मिला लीजिए, इसे खूब पतला करके एक लाल या पीले कलर का कपड़ा उसमें धुल करके सुखा लीजिए। कपड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा हो कि उसका छोटा सा पॉकेट बन जाए, मतलब चारों तरफ से सिल्की, उसके अंदर कोई चीज रखी जा सके। अब आपको करना यूं है कि ये जो भी आपने कपड़ा धुलकर सुखाया है इसको एक पॉकेट जैसा बना ले या छोटी तकिए जैसे बना ले और इस तकिए के अंदर थोड़ी सी सौंफ भर करके रख लीजिए। ये सौंफ आपको बुधवार से शुरू करनी है, बना पहले लेना है, जब तक बुधवार नहीं आएगा तब तक ये आपके तकिए के नीचे रहेगा, जैसे ही पहला बुधवार आपको मिलता है आप इसे अपने पॉकेट में रख लीजिए, आप पूरा दिन पर्यंत आप इसे अपने पॉकेट में रखें और रात्रि में अपने तकिए के नीचे रखें, दिन पर्यंत पॉकेट में रखें और बाकी टाइम अपनी तकिए के नीचे रखें। इसके साथ आप 9 दिवस और 9 रात्रियां व्यतीत कीजिएगा, इस बार की नवरात्रि तो वैसे भी पूरी नवरात्रि है, संपूर्ण नवरात्रि आ रही है, ऐसा कम होता है, कम टाइम बार होता है, संपूर्ण नवरात्रियां बहुत बहुत पावरफुल होती है, बहुत शक्तिशाली होती है नवरात्रियां। नवरात्रियों के बारे में कितना भी कहा जाए कम है, तत्पश्चात इस सौंफ को पीस से कट करना और थोड़ी सी मुंह में डालकर थूक देना और बाकी किसी भी जगह, जलाशय में, कुएं में, तालाब में, बावली में, नदी में, समुद्र में, अच्छी साफ सुथरी जगह पर इसको प्रवाहित कराना, आपके जीवन में अब तकलीफ नहीं रहेगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस 9 दिन के अंतराल में अगर आपके संसर्ग में आया, आसपास आया, सामने आया, तो वो आपका हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और जिसे तुम पाना चाहते वो तो तुम्हारा होगा ही होगा, इतनी अधिक शक्ति हो जाएगी। पूरे मन से करना, यह है तो नोट का, यह है तो एक छोटा सा उपाय सॉल्यूशन, लेकिन ये इतना शक्तिशाली है कि दुनिया की कोई ताकत इसे टिका नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। करके देखिए, लोग वर्षों से कर रहे हैं, छोड़ा नहीं है आज तक,
आप देख लीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, बेहतर रहने की कोशिश करिए, जितना हो सके सकारात्मक रहिए और अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आते में आराम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जितना हो सके खुद का ख्याल रखो, बार बार प्रसन्न होना, परेशान मत होना, दुखी मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, किसी साइड नहीं बताना, बस अधिक हो जाओ, संकल्पित हो जाओ, ठीक होना है, तुम ठान लोगे तो सब हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ अपना ही ख्याल रखना है, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रखना हूँ। ओम नमः शिवाय।